हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मेरे सामने होगा एक चैलेंज और इस चैलेंज में मुझे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के वॉइस को गेस करना है। तो लेट्स चेक इट आउट। मैं एक्चुअली बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत खराब परफॉर्म करने वाला हूँ। Let's start. 2020 की मेरी विश लिस्ट ये है कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं और मैं अपनी सोसाइटी और अपने माशरे के लिए एक बेहतर इंसान बनूं। He makes me laugh. कभी भी, कहीं भी, किसी के साथ भी, anywhere, anytime. इकरा अजीज। बहुत सारे हैं, but thank God. Thank God कि मैंने करेक्ट गेस किया। ऑलरेडी मैं नर्वस फील कर रहा था और उसके ऊपर से मैंने इतना कॉन्फिडेंटली गेस कर लिया। अगर रॉन्ग हो जाता मैं ये वीडियो इधर ही एंड कर देता। फेवरेट एंड क्लासिक इन आप बहुत ही एंबैरेसिंग होता। सेकंड सोशल मीडिया सेम दे नीड टू बी टॉल दे नीड टू बी अ लिटिल टॉलरेंट मैन। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट समबडी इज लाइफ दैट यू लुकिंग एट यू डोंट ओन इट यू ओनली लुक एट इट यू ओनली लुक एट इट यू ओनली लाइक इट गिव योर ओपिनियन। मैं अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा। मे बी हानिया आमिर when it's constructive because it's just not a real challenge. Darauna hai mujhe aisa lag raha hai ki embarrassing guess karunga main kuch. mujhe mujhe aisa lagta hai again ki aap फिरोज को डिसाइड करना होता है कि आपने किधर जाना है। फिरोज क्योंकि ये जिंदगी बस ऐसी कोई इतनी छोटी सी चीज नहीं होगी कि हमें जिंदगी में भेज दिया गया उसके साथ। अगेन थैंक गॉड कि मैंने ये भी करेक्टली गेस किया क्योंकि अगर मैं रॉन्ग गेस करता आप लोग शुरू हो जाते हैं। राज इतना बड़ा ठरकी है कि लड़कियों के एक्ट्रेसेस के वॉइस इजीली गेस कर लेता है लेकिन फिर एक्टर्स का टाइम आया तो राज को पता नहीं। राज ठरकी है कन्फर्म्ड। सारी ज़्यादा लकीली मैंने फिरोज का भी गेस कर लिया। दुनिया में कहीं भी नहीं सिखाया जाता सिवाय कुछ जगहों पर कि आप अपने ख्वाबों को मार दें, आप अपनी यू नो आपकी विशेस को मार दें। अगर आपको लगता है कि आपकी विशेस, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बार बाकी सब में एटलीस्ट गेस तो था मेरे पास लेकिन तो अभी कुछ तो गेस करना पड़ेगा। आयजा खान, मुझे पता है आयजा खान नहीं है ये लेकिन स्टिल कुछ तो गेस करना बोल के करें। ख्वाबों के बीच में कोई आ रहा है तो उससे बैठ के बात करें और ये बात हमेशा याद रखें। सारा नूर अब्बास के फैंस मेरे से बहुत नाराज होने वाला है स्पेशली क्योंकि मैंने बोला था एहदे वफा देखने के बाद कि शी इज माई फेवरेट कैरेक्टर इन द ड्रामा एंड समहाउ मैंने जारा का वॉइस पर कटे पर शी नोज मी फॉर हु आई एम and which is I think a beautiful thing and I've loved working with her but along with that she's a very special individual. She's very unique. मैं पॉज तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास अभी भी कोई गेस नहीं है। कौन हो सकता है? बहुत ही एक फॉरेन एक्सेंट है। फहाद मुस्तफ़ा उसका नहीं है। फहाद मुस्तफ़ा का वॉइस मैंने सुना है लेकिन कुछ तो गेस करना। I find that the way we work together the what? best part was that we worked the same way. Kya? We approached things. I am shocked right now. Ahad Raza Mir ka voice aisa accent hai uske paas. Maine Ahad Raza Mir ka do dramas dekha hai lekin wo dono dramas mein uska aisa bilkul bhi nahi tha voice. Kitna different hai yahan par Ahad Raza Mir ka voice. Insani nafsiyat aur insaan ka jo ek pura wo hai uske bare mein padhne ka shauk hai. तो इसी तरह हम हमारी थॉट्स रोजाना चेंज हो रही है। आप वो इंसान नहीं होंगे जो आप अली जफर में दो दिन पहले थे। हमारी सोचें भी चेंज होती रहती है। तो अली जफर अब से साल पहले का, तीन महीने पहले का, दस साल पहले का। सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे होते हैं लिबरल फैमिली से। लेकिन दोनों को बहू की शक्ल में नौकरानी चाहिए होती है। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़ है तो घर का काम करे और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियाँ बीवी का नहीं रहता। फिर उस घर में एक बूढ़ी अम्मा होती है। ये भी मुझे पता है कि आयजा खान नहीं है लेकिन कुछ तो गेस करना है बोल के आयजा खान। मेरा स्ट्रैटेजी ये रहने वाला है जिसमें भी मुझे पता नहीं है किसका वॉइस है आयजा खान। इमोशनली ब्लैकमेल करती है
ज्यादातर इससे पहले जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस आए थे सबके मैंने ड्रामास देखे। अल्लाह की देन से अगर बेटी लेकिन जब आप एक फिल्म बना के उसको स्क्रीन पे लगाते हैं और उसको लाखों लोग देखते हैं आगे, फिर वो पर्सनल मैटर नहीं होता। इतराज यही तो ये वॉइस मैं किधर भी गेस कर सकता हूँ, नींद से उठा के पूछो। डायरेक्टर की है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस की है जो ये करते हैं, हमजा अली अब्बास सेंसर बोर्ड की है। मुझे तो मैं तो मिलूंगा सेंसर बोर्ड वालों से। इनका वॉइस इतना डीप है और काफी यूनिक है, इजी टू गेस। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब हम शूट कर रहे थे हमें खुद आइडिया नहीं था लाइक ये क्या है, सिर्फ देख रहे हैं। जब हमने टीवी पे देखा तो हमने कहा अच्छा ये कब हुआ, क्योंकि वो केमिस्ट्री बहुत ही स्वीट वॉइस है, लाइक बहुत प्यारी आवाज है, लेकिन आयजा खान सब आयजा खान इतनी अच्छी नजर आई लोगों ने, इतना सजल अली को मैंने गेस नहीं किया। मैं खुद से डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने अभी अभी यकीन का सफ़र देखा है जिसमें सजल अली लीड कैरेक्टर लीड रोल में, अब हमारा नहीं है एक्चुअली, ये लोगों का प्रोजेक्ट है। उन्होंने मैं जब एक्चुअली पैदा हुई थी तो जो मेरे एक्सप्रेशंस थे, जो आंखें थी, उसको देख के तो मेरे पेरेंट्स ने पहले ही मुझे बता दिया था कि ये 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 कुछ और है, ये वो नहीं है, ये हमारी फैमिली से नहीं लगती। नो आइडिया, आप लोगों को पता है आयशा खान तो बस इसी तरह शौक पैदा हुआ, कार्टून्स देखती थी। ये वीडियो कंप्लीट करने का भी कुछ रीज़न है क्या मेरे पास? अलीज़े शाह जिसको मैं खुद का क्रश मानता हूँ, लाइक आई हैव अ क्रश ऑन हर, एंड स्टिल मैंने इसका वॉइस तक रिकग्नाइज नहीं किया। मेरा जो डर था ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो सच हो रहा है, सबके सब गेसेस गलत हो रहा है। स्टार्ट तो एटलीस्ट अच्छा था लेकिन अभी सब रॉन्ग हो रहा है। देखिए आइडियली तो आई थिंक इन एन आइडियल वर्ल्ड तो हम बहुत सारी चीज़ें चाहेंगे कि अफेक्ट ना करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे मौजू होते हैं, थोड़े से हसास होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बैन हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल पाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फवाद खान जो कि आई थिंक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की आड़ में जो है उनको भी जो है मतलब रद्द कर दिया जाता है प्रोजेक्ट। करेक्ट, चलो फाइनली कुछ तो करेक्ट हुआ। आशरा दीदी तो नहीं थी, हाँ शरारती शायद थी, हाँ लेकिन अपनी अपनी दुनिया में थी मैं, हाँ बस मुझे मी। आई नो मेरा स्ट्रैटेजी अभी तक आयजा खान चिल्लाने का रहा सब गैस आयजा खान, लेकिन ये मे बी माया। मेरा भाई, मेरे कजन सारे लड़के थे, माहिरा को तक गैस नहीं किया। ठीक है आप लोग कमेंट्स में गाली दो, मैं डिजर्व करता हूँ, इतना खराब नहीं कर पाती। मुझे मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, हम आपका देख रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें। बिकॉज मैंने जब शुरू में मैंने करवाया था तो मैंने अपने घर में लगानी थी पिक्चर्स, तो मैंने कहा मुझे एक्चुअली आयशा खान लग रही है, मेरी फैमिली की, मेरी अपने बचपन की एक एक तस्वीर है। जब मेरा ठीक है अभी थोड़ा बेटर, प्लान अभी तो नहीं किया, हाँ इतना आगे का, अभी तो मैं शादी हुई है तो अभी इस शादी को एंजॉय कर रही हूँ हर दिन को। चलो एक क्लू है, मुझे वॉइस से अभी तक गेस करने नहीं हुआ लेकिन इस एक्ट्रेस का शादी अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। एंजॉय कर रही हूँ, हाँ। बहुत ज्यादा मैं बीमार हो गई थी, हाँ। तो लेकिन फिर हमने डिसाइड कर लिया। अभी तो मैं आयशा खान गेस भी नहीं कर सकता, क्या किसका शादी हुआ है रिसेंटली? सना जावेद, सना जावेद का वॉइस नहीं लग रहा, लेकिन सना जावेद हमें नहीं जाना अभी कहीं भी, और काम के सिलसिले में तो बिल्कुल ही नहीं जाना, वो काम के लिए प्लान तो किया होगा ना ये वाले डील। ओके वीडियो एंड भी हो गया। वेल ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, स्कोर इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन प्लीज लेट मी नो कमेंट्स में आप लोग को कितना कितना मार्क्स मिला। अगर आप में से कुछ लोगों का परफॉर्मेंस मेरे से बुरा रहेगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा ईगो को बूस्ट मिलेगा। तो या एंड प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दिस चैलेंज, मैं लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।